गुजरात में आखिरी चरण के लिए जोरों पर चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी का गुजरात में धुआंधार प्रचार जारी है। सुपर एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है, किसी भी कीमत पर पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है और लगातार दावे कर रही है जीत के। चूंकि बीजेपी का कहना है एक बार फिर से जनता बीजेपी चाहती है। वहीं पीएम मोदी के गुजरात के दौरे का आज दूसरा दिन है। गुजरात में पीएम मोदी की आज जनसभाएं हैं और ऐसे में बेहद बिजी शेड्यूल प्रधानमंत्री का आज रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि कनकराज, पाटन, सोजीतरा और अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ऐसे में लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है जब भी प्रधानमंत्री मोदी जो है जनता के बीच पहुंचते हैं और ऐसे में उनके भाषण का हर किसी को इंतजार रहता है। हालांकि यह चुनावी दौरा है और ऐसे में लोगों में उत्साह जो है वो सातवें आसमान पर दिख रहा है। अमित शाह का भी गुजरात में रोड शो है और जनसभा भी है, तो ऐसे में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही रहती है कि बड़े से बड़े मंत्री जो हैं चुनावी मैदान में उतरे और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचे। और ठीक उसी स्ट्रेटेजी के तहत कई चुनावों में बीजेपी जो है इसी तरह की रणनीति के साथ आगे काम करती है। और गुजरात की अगर बात की जाए तो पहले चरण का दौर समाप्त हो चुका है, मतदान हो चुके हैं और ऐसे में दूसरे चरण को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है बीजेपी द्वारा। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी की कई अलग अलग शहरों में जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, साथ ही साथ आज गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे।